हम लोग चाट खिलाते भी हैं, बताते हैं कि चाट खाई कैसे जाती है। धन्यवाद आपका। हुसैन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था, मैं फोर्थ जनरेशन। आपके शॉप 1928 से? हाँ 1928। आप दूसरों से कानपुर के रहने वाले? दूसरे कानपुर के। ऐसे छेने की मिठाइयाँ बहुत पसंद है? छेने की मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद करेंगे। ये कौन सी मिठाई है जो आप खिला रहे हैं? ये चंद्रमुखी है, छेने की मिठाई है। क्या है इसमें? छेना है और कंडेंस्ड मिल्क की क्रीम बनती है, वो है। आप टेस्ट करके देखिए, बहुत लाइट स्वीटेंड होगी। ऐसा थोड़ी चमचम की तरह है क्या? नहीं, चमचम तो सिर्फ छेना होता है और वो थोड़ा सा नहीं, मतलब मोर ऑन द स्वीट नोट होता है। अच्छा, ये थोड़ा लाइट स्वीट होगा। मुंह में जाते ही गायब। हाँ, सॉफ्ट दम हो। इन मिठाइयों को खाने के लिए दांतों की ज़रूरत नहीं है? दांतों की ज़रूरत नहीं है और साथ में लाइट होती है मिठाइयाँ। मतलब जनरली आप कोई घी की मिठाई खाते हैं तो थोड़ा सा हैवी होती है, ये काफ़ी लाइट और सूदिंग होती है। संदेश, ये भी छेने का ही बनता है? छेने का होता है, प्योर छेने। वाह, तो ऊपर में केसर पिस्ता। लग रहा है क्रीम खा रहा है। बिल्कुल सॉफ्ट सूदिंग टेक्सचर में होगा। वाह, ये छेने की ग्लोरी है। मतलब छेने, छेना और उसके अंदर में बर्फी स्टफ की गई है और पान शेप में। पान शेप, ग्लोरी मींस शेप ऑफ अ ट्रायंगल पान। बहुत टेस्टी है। एक और बात, हम लोग कई जगहों पर मिठाई खाई हमने कानपुर में, कहीं भी मीठा बहुत तेज नहीं लगा, हर जगह पे काफ़ी बैलेंस रखते हैं। इस शॉप की खास बात है आदर्श नमकीन की कि यहाँ पर ढोकला हर घंटे बनता रहता है और यहाँ पर खास बात है इनके रूट्स गुजरात से हैं, तो ये जो टेस्ट आपको मिलेगा साथ में नमकीन और तली हुई मिर्च का, ये जो एक नमकीन थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा मीठा, ये जो टेस्ट है ये बहुत ही यूनिक लगेगा। और अगर पूरे बनारा रोड में आपको सबसे बेस्ट ढोकले खाने तो यहीं पर मिलेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर मतलब पूरे हिंदुस्तान में इसे ढोकला कहते हैं लेकिन गुजरात में इसे खमन बोलते हैं, और ये राउंड शेप्ड खमन है, साथ में ऊपर सेव और तली हुई हरी मिर्च है। बिल्कुल गर्म है अभी, गर्म एकदम। हाँ, ये भी करारी सेव, ये भी मिर्च भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जगह पे क्या है कि पूरा सराफा बाजार है, तो बिराना रोड एक सराफा बाज़ार की तरह से फेमस है। जिस जगह पे सराफा होता है वहाँ पर खाना ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, क्योंकि सेठ लोगों को खाना अच्छा चाहिए। अरे सर, मुझे ये हर एक जगह की बात है, चाहे सिर्फ ये कानपुर का ही नहीं, आप इंदौर चले जाएँ वहाँ सराफा बाज़ार देखिए, आप वहाँ पर भी सराफा बाज़ार है, भुट्टे की कीस वहाँ पर बड़ी अच्छी मिलती है। बिल्कुल, और फिर अहमदाबाद चले जाएँ, हर जगह पर ये मतलब खाने के जो अड्डे हैं वो सराफा बाज़ार में मिल जाते हैं। सिंधी खस्ता। तो बहुत ये लंबे समय चल सकती है, ये लंबे समय तक चलेगी क्योंकि फ्राइड है, मसाले सूखे हैं, क्योर कर दिए गए, आराम से चलेगा। क्योर कर दिए गए हैं तो फिर इसमें सड़ने का कोई वो नहीं है, प्याज व्याज का कुछ वो नहीं है। हमें स्वीटनेस भी है, मीठा बना है हल्का। हाँ, आप सर आप तो लिए, आप भी एक लीजिए। धन्यवाद, अच्छा लगा। राहुल जी, आप अपने अंग्रेजी बोलने के लिए फेमस हैं कि बताशे के लिए फेमस? नहीं, आई एम बोथ ऑफ बोथ द थिंग, माय क्वालिटीज पीपल ट्रस्ट मी बिकॉज ऑफ माय गुड क्वालिटी
एवरीथिंग इज गुड. वी हैव पानी पूरी, वी हैव धनिया आलू, वी हैव दही भल्ला, वी हैव दही चटनी बताशे, वी हैव बोलती बंद बताशा. बोलती बंद बताशा. लिंगास्टिक पेट सफा. हाँ हाँ पेट सफा तो हर रोग सफा. आइए ये गुपचुप और गोलगप्पा दोनों का मिक्स है. नहीं, पानी जो है स्पेशल दही स्पेशल पानी आल्सो जस्ट अ सेकंड. पानी मुझे ज़्यादा तो लगा दिल्ली स्टाइल पुदीना वाला पानी ज़्यादा लग रहा है. पुदीना मिर्चा धनिया अदरक और जो मटर है वो थोड़ा यूपी टच दे रहा है. हाँ हाँ यूपी टच दे रहा है. मिक्स है करेक्ट. अब आप इसको ट्राई करिए. दिस इज कॉल्ड बोलती बंद. यू हैव टू टेक इन अ वन टाइम. एक बार में खाना आपको पूरा लाइए. पत्ता ही दे दीजिए हमको. वाकई बोलती बंद. ये मजा आया खाने में. नहीं अभी बहुत कुछ खिला रहे हैं आपको. ये देखिए लॉलीपॉप की तरह है खाना. है ना चढ़ा खाना है. काटना तो नहीं है ना. वाह. अब ये लास्ट हरी मिर्च बहुत तेज है इसमें. इसलिए तुमने मीठापन दिया थोड़ा हल्का. बिकॉज यू डोंट लाइक स्पाइसी. मैं पी लेता हूँ. अब बताइए क्या खिला रहे हैं. ये स्पेशलिटी हमारी शॉप दही भल्ला. बेटर देन नटराज बेटर देन बिट्टू चाट वी हैव. अब देखिए मैं दिल्ली से आया हूँ. मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा. नहीं दे आर ऑल्सो वेरी गुड. मुझे दे आर ऑल्सो वेरी गुड. नो प्रॉब्लम. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन कानपुर सिटी. ठीक है फिर. ठीक है बड़े तोरत दाल के है ना. हाँ हाँ ये खाते ही होली त्यौहार याद आ जाता है. त्यौहार चटनी पनीर. वाह ठीक है. खट्टा मीठा. मैं तो खैर आप बताऊँ मैं कई बार बोल चुका हूँ जो चाट खाने का मज़ा गोलगप्पे खाने का मज़ा यूपी बिहार साइड बंगाल साइड ईस्टर्न साइड में आता है. उड़ीसा साइड में आता है. वो दिल्ली में नहीं आता. करेक्ट है. दिल्ली में फ्लेवर नहीं है. वहाँ पानी में ठंडा डाल के और पुदीना घोल के पिला रहे हैं और लाल मिर्च बस. मेरी दुकान में नॉट गेट लाल मिर्च चिली मिर्च कहीं नहीं मिलेगी आपको. काली मिर्च मिलेगी जो जस्ट फील गुड थोड़ा खाने बाद लगेगा. और वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा सर. बहुत ही उम्दा है. और सर आपने ये तो बोल दिया ना अब आज राहुल भाई का आधा किलो खून बढ़ गया. करेक्ट है. अच्छा राहुल भैया. जी भैया धन्यवाद. अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए और आपसे मिल के बहुत बड़ी खुशी मिली. कि इस तरह प्लेजर कहते नहीं इंग्लिश वर्ड में कि इस तरह प्लेजर टू मीट यू. वैसे ही थैंक यू. थैंक यू. मैं जरूर कहूँगा ये एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए. ये नॉर्म होना चाहिए कि सभी लोग जो भाषा बोलना चाहें वो बोलें. मैं तभी से बोलता हूं. इस नाम के लिए प्रसिद्ध ना हो कि ग्रेजुएट क्वालिटी से प्रसिद्ध. क्वालिटी से करेक्ट. ये बेटे नरेश कुमार गुप्ता. ये हमारे पिताजी हैं. मतलब ये दूसरी जनरेशन है. हम लोग थर्ड जनरेशन है. तब 65 साल हुए बाबा जी लगाते ठेला. यही लगता था शुरुआत से. पहले यहाँ बाबा जी ने 2-3 ठेले और लगवाए थे. डोसे के लगवाए चाउमीन के लगवाए चाट के 3 ठेले लगते थे हमारे लिए. अब धीमे धीमे एक करके कम हो गए. मतलब चाचा के लगवा दिए और एक चाचा थे उनके लगवाए सब कम हो गए. अब बस यही बचा हुआ है ठेला के नाम का. अब इस गड़बड़ के बारे में बताइए इसमें क्या गड़बड़ है. इसमें सिर्फ यही है कि इसमें मीठा बूंदी पड़ता है इसलिए गड़बड़ है. क्योंकि चाट में कोई मीठा बूंदी डालते ही नहीं है. सिर्फ ये इसलिए गड़बड़ है. तो ये बेसिकली एक तरह से मिक्स चाट है. हाँ मिक्स बोल सकते हैं आप. लेकिन इसमें टिक्की नहीं है. टिक्की इसमें मटर नहीं है. इसमें भल्ला भी नहीं है. हैं जो चीज़ें क्रिस्प है जो करारी चीज़ें हैं वो है इसमें. और चटनी है सौंठ है दही है नींबू है मसाले हैं नींबू है. गड़बड़ ये जो शब्द निकला है गड़ बड़ है गड़बड़ नहीं है.
गड से निकला है, गड़बड़ मतलब गड चाट होती हुई गड़बड़ बन गया वो, है ना। गड मतलब मिक्स, जैसे दिवाली के ठीक बाद अन्नकूट पूजा होती है, मिक्स सब्जी बनती है जी जी। गड़ चाट लोगों ने गड़बड़ गड़बड़ बोलना शुरू कर दिया। एक गड़बड़ और आती है, आप जाएंगे मैंगलोर या फिर गोवा, सब गड़बड़ आइसक्रीम आता है, गड़बड़ आइसक्रीम आता है ना, इसमें अलग अलग आइसक्रीम मिला के फ्रूट उठ जाके बनाए जाते हैं, लेकिन ये चाट है। आइए अब बिना देरी किए जायका लिया जाए, कैसा करारापन ख़त्म ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेन तो इसमें जो टेक्सचर है वही है। हमारा काम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और इंडिया, सब जगह चलते हैं, सब जगह जाते हैं कैटरिंग। क्या बात, बाहर भी जाते हैं हम लोग, दो बार दुबई हुए हैं, कतर गए थे। बहुत अच्छी है, इसमें आप बस गड़बड़ मत करिए, मतलब मिक्स मत करिए, साइड से खाइए। उसमें कहीं आपको खट्टी मिलेगी, कहीं मीठी मिलेगी, कहीं नींबू का रस मिलेगा। अगर आपने चाट को मिक्स कर दिया तो चाट नहीं हुई, वो फिर बिल्कुल गड़बड़ चाट हो गई। कोई भी आइटम आप चाट कहीं भी खाएं, हम ये नहीं कि मेरी चाट खाइए, आप कहीं भी खाएं, किसी भी चाट खाएं, आप अभी 10 कदम आगे जाइए, किसी चाट खाइए, आप साइड से खाइए चाट, आपको स्वाद मिलेगा। और आपने जहाँ चाट को मिक्स किया तो वो चाट एक स्वाद बन जाती है। देखिए सब्जी और दाल और चावल मिला दीजिए और फिर रोटी के साथ खाइए, आपको एक ही स्वाद मिलेगा। आप एक कोर में सब्जी लेंगे, सब्जी स्वाद आएगा, फिर एक रोटी हिस्सा निकाल के दाल लेंगे, उसका स्वाद आएगा, तो उसके सब टेस्ट अलग है। हम लोग चाट खिलाते भी हैं, बताते हैं कि चाट खाई कैसे जाती है। धन्यवाद आपका, ये समझिए आज के बाद कभी भी मैं चाट नहीं मिलाऊंगा। इस गड़बड़ में जो प्रोमिनेंट टेक्सचर है वो है क्रिस्पीनेस, पापड़ी है इसमें, आलू के लच्छे हैं, गोलगप्पा क्रश करके डाला गया है, वो सारी चीज़ इसमें है। साथ में हर एक लेयर में आपको कभी खट्टा जायका आएगा, कभी मीठा जायका आएगा, कभी अदरक का स्वाद आएगा, तो सभी फ्लेवर्स आपको इस एक दोने में मिल जाते हैं, इसलिए राम स्वरूप जी की चाट सबसे बेस्ट है। ये धनिया आलू, इसको लोग ग्रीन चटनी आलू बोलते हैं, चटनी आलू बोलते हैं। ये आपकी कानपुर की स्पेशल चाट है। इसकी जो पालक है खट्टी पालक, वो आपकी कानपुर लखनऊ के सिवा कहीं मिलती नहीं, मतलब इसका आपकी जो चटनी का टेस्ट है ये कानपुर लखनऊ के सिवा कहीं मिलने वाला नहीं, और कहीं पालक होती नहीं इसकी। खट्टी पालक होती है, खट्टी पालक, एक मीठी पालक होती है, गुबरा पालक होती है, एक खट्टी पालक होती है, चिरवा पालक होती है, इसमें कैथा भी पड़ता है। क्या पड़ता है? कैथा, कैथा आता है जो खट्टा करता है, खट्टा होता है। यहाँ पे अच्छा विकी भाई ये बताइए कि ये छोटे आलू ही आते हैं कि आलू आते हैं, इनको बोलते हैं बेबी पोटैटो। हाँ अंग्रेजी में बेबी पोटैटो बोलते हैं इसको, लेकिन सही स्वाद इसी में होता है, सही स्वाद इसी में होता है। आलू काट के वो स्वाद ही नहीं आता, क्योंकि बड़ा आलू होता मीठा, ये छोटा आलू हमारा अलग ही आता है। अब नॉर्मल है कि गर्मी में आलू नहीं मिल पाती शिक्कल वाली, तो जो आती है आलू पुरानी वाली वही हम लोग गलाते हैं। वो बहुत तीखा है, इसमें मिर्च होती है। बाप रे, एक टाइम था यहाँ नौरंग के पास धनिया आलू बिकती थी, तो वहाँ इतनी मिर्चा होती थी कि आप दो पीस नहीं खा सकते, मगर फिर भी आज से 25-30 साल पुरानी बात हम बता रहे हैं, लोग खाने जाते सिर्फ धनिया आलू के लिए। मतलब नौरंग जो एक तपस्वी माता मंदिर है, लोग यहाँ फेमस था कि धनिया आलू खाना तो यहाँ ही खाना नौरंग की, इतनी तीखी होती है। ये तीखा होता ही है, हमारा दही बड़ा मीठा होता है, ये तीखा और खट्टा। हाँ तीखा खट्टा होता है। चाट की पाठशाला के लिए धन्यवाद, आपने आज मुझे टेक्निक सिखाई है, हमेशा ये फॉलो करेंगे। और देखिए हर एक चीज़ का खाने का तरीका होता है कि नहीं, और उसको बनाने का तरीका भी होता है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एकदम मुंह में घुल जाएगा आपके, ये मीठा दही बड़ा है, सब चाट के बाद अंत में ये खाना चाहिए। तो ये हमारा चाट का डिज़र्ट है। हाँ चाट का डिज़र्ट है, सही कह रहे हो, चाट का डिज़र्ट है। इसी तरह से हम दही चटनी का बताशा भी बनाते हैं, वो भी बहुत लोग मतलब बहुत पसंद करते हैं इसके बाद।
आपके पास तो एक पर एक वैरायटी है सर, सात आठ वैरायटी सर। पालक का चाट भी है, वो भी बहुत यूनिक बनता है। ये चाट सर ऐसा, जैसे आपको टिक्की पसंद है, किसी को मटर पसंद है, किसी को पालक पसंद है, किसी को गड़बड़ पसंद है, तो सबको अलग अलग चीज़ें अलग अलग मतलब रेंज में पसंद है उसको। होता है कि कानपुर उत्तर प्रदेश का चाट कैपिटल है, चाट की राजधानी है, बिल्कुल सर कह सकते हैं। इतनी वैरायटी यहाँ पे है। इसके अलावा सर खस्ता भी है, बैगनी भी है, खस्ता कचौड़ी सर जिसको बोलते हैं, और एक बैगन की लेयर डाल के एक बेसन में लपेट के बनाई जाती है बैगनी चाट, वो भी बनती है, लेकिन वो हम ऑर्डर बुकिंग पे बनाते हैं, जब कोई ऑर्डर करता है तब बनाते हैं। बहुत वैरायटी है। वैरायटी है सर, करीब 12-13 वैरायटी रहती है। और क्वालिटी भी है, ये तो आप बताएंगे सर खा के। बढ़िया रहा सर, थैंक यू। अरे हम लोग आए, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बस मटर बची हुई है, तो मटर चाट खा रहे हैं। तीखा हम कम खाते हैं। जी जी खाइए, मज़ा आ जाएगा। मतलब नाक के बराबर तीखा खाते हैं, हल्का खिलेगा तीखा हल्का। तो इस जगह का नाम क्या है, इस चौराहे का? ये सर इसका नाम है सिरकी महल पुलिस चौकी। सिरकी महल पुलिस चौकी जी। तो कौन सी तरह की चाट बनाते हैं आप? ये सर इसमें जो है मिक्स बनती है, आलवड हमारे पिताजी का नाम ही है दिया हुआ। आलू धनिया है, मोट तरह मटर बनता है, आलू मटर बनता है, और बंडे की चाट बनती है। किसकी चाट? बंडे की। बंडे जी? बंडे जो घुइयाँ आती है। हाँ घुइयाँ, अरबी इसको बोलते हैं। अरबी अरबी अरबी, उसी का एक गोल आता है बंडा, वो सर बनती है। अब पहले बाबा जी लगाते थे हमारे फेरी करके, अंग्रेजों के जमाने में बेचते थे वो। अच्छा, हमने बाबा जी को अपने देखा ही नहीं कभी। फिर पिताजी यहाँ बैठे करीब 55 साल, फिर 1992 हमने यहाँ गद्दी संभाली उनकी। अब खाइए, मज़ा आ जाएगी आपको। ये मटर चाट है, सिर्फ मटरा जो सफ़ेद मटर होते हैं वही है ना? जी जी जी। ऊपर में सौंठ, धनिया की चटनी, अदरक के लच्छे, नींबू, भुना जीरा, नमक, ये सब डाला गया है। जो अभी हम सीख के आ रहे हैं कि चाट को मिलाया नहीं जाता, तो हम इस चाट को नहीं मिलाएंगे, एक तरफ से काटते हैं। सर कैसी लगी आपको? कोई कमी तो नहीं? ठीक है, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये हिडन जेम है आपका? हाँ जी, ये कानपुर का हिडन जेम है। खट्टा खट्टा मीठा, सभी स्वाद है। मसाले आपके बहुत तगड़े हैं। हाँ, अभी तो इसमें अदरक के लच्छे आ रहे हैं। तो किसी को अगर चाट आपकी और भी ट्राई करनी हो तो कितने बजे आना चाहिए? हम तो थोड़ा लेट हो गए। 6:30 बजे। 6:30 बजे मौका लगा तो अपनी बात टाइम से आएंगे। जब कभी कानपुर आना हुआ जी तो आपकी और भी जो चाट रहेगी उसका जायका लेंगे। जी जी आइए। यह है कानपुर की एक मशहूर चाट जिसे बास्केट चाट कहते हैं। जिस चौराहे पे हम लोग खड़े हुए हैं, इस चौराहे का नाम ही चाट चौराहा है, वो इसलिए कि ये दुकान यहाँ पे है। और इनकी जो जर्नी रही है श्याम सुंदर गुप्ता जी की, वो बहुत ही आप कह रहे हैं इंस्पायरिंग रही है। वो पहले कार्ट पे चाट बेचा करते थे, उसके बाद उन्होंने दुकान ली 1986 में वहाँ पे, उसके बाद वो इस चौराहे पे मूव कर गए और आज इस चौराहे का नाम ही चाट चौराहा पड़ गया। इनके यहाँ कई तरह की चाट मिलती है, जिसमें टिक्की है, मटर पापड़ी है, तिकोना पापड़ी है, धनिया आलू है, खस्ता है, काफ़ी चीज़ें हैं। हमने बनवाई है बास्केट चाट, और उसका कारण यही था कि इस चाट में आपको जो और अलग अलग तरह की चाट होती है उन सब का मिश्रण है, तो सभी जायके आपको इसमें मिल जाएंगे। और काफ़ी हैवी चाट है ये। नीचे बास्केट है या टोकरी बोलें, उसके अंदर में आलू की टिक्की, उसके बाद मटर, फिर दही बड़ा, पापड़ी, रस भरी, अंगूर, अनार, सेब, धनिया पत्ती, अदरक, दो तरह की चटनी, मीठी खट्टी। रामस्वरूप चाट पे हमें जो बताया था कि कभी भी चाट को मिलाया नहीं जाता है, तो एक एक पोर्शन को ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं क्या क्या जायका आता है। पहले टिक्की वाला पोर्शन ट्राई करते हैं। घी में तैयार की गई बिल्कुल कड़ाई टिक्की, ये क्वालिटी का प्रमाण है कि अगर दुकानदार अपना अगर माल खा रहा है मतलब चीज़ अच्छी है।
और श्याम सुंदर जी खुद अपनी चाट खा रहे हैं। चलिए हम भी अपनी चाट का सफ़र आगे बढ़ाते हैं और सेकंड मूव करते हैं भल्ले की ओर। सॉफ्ट भल्ला, क्या बात है। यहाँ पे इन्होंने साथ में हमें अंगूर दिया है, एक रसभरी भी है। अभी रसभरी का सीज़न चल रहा है तो रसभरी है, ये खस्ता है, तो अब खस्ते को ट्राई करते हैं। बास्केट चाट एक तरह से अगर आप बनते हुए नहीं देखें तो एक मिस्ट्री है, और हर एक स्पून में आपको एक नया जायका मिलेगा, एक नया टेक्सचर मिलेगा। बस ध्यान ये रहे कि इस चाट को मिक्स नहीं करना है, जो हमें विक्की भैया ने सिखाया है चाट की पाठशाला में। ये था जायका कानपुर की चाट का। सर बताइए आपकी शॉप का नाम लेडीज शॉप क्यों है? अभी बताता हूँ सर, पहले मैं आपको पान खिलाऊं सर? पान खिलाते खिलाते बात नहीं हो पाएगी। लेडीज पान साहब अपना ओल्ड शॉप जो है 71 ईयर माल रोड LIC के सामने है सर। तो हमारे यहाँ जो है सिर्फ मीठा पान मिलता था, ओनली मीठा पान, कोई सिगरेट नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई गुटखा, कोई पता नहीं। तो मीठा पान बेचते थे हमारे डैडी, तो कुछ लोगों ने ऐसा सजेशन किया यार तू बेच रहा मीठा पान तो कुछ ऐसा नाम रख, मीठा पान एक्चुअली खाती लेडीज़ ही हैं बच्चे, तो इसलिए नाम रख दिया गया लेडीज़ पान शॉप। ये सेकंड आउटलेट है, इसका ओपनिंग जो है 2.5 महीने पहले हुआ है, वो 71 ईयर ओल्ड है। मीठा पान है, भयंकर खुशबूदार। और इस मीठे पान के साथ हम अपने कानपुर के जायके का सफर समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे हिंदुस्तान के किसी नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।